हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ आप सब लोग अच्छे हों, फिट हों और फाइन हो। तो आज का ब्लॉग है वो मैं दिन के 12 बजे से बना रही हूँ। जैसे कि आप टाइम देख सकते हैं, पीछे 12 बज गए हैं और आज दिन है मंडे और जो डेट है वो 26 है। तो मेरा मॉर्निंग का काम ऑलमोस्ट हो चुका है, पूरा कंप्लीट हो चुका है। क्योंकि मेरा मॉर्निंग का जो काम होता है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब हैट्रिक होती है मॉर्निंग मेरी, क्योंकि मेरी बेटी 8 बजे जाती है। उसके लिए मुझे अलग ब्रेकफास्ट बना के भेजना पड़ता है, गरम गरम मतलब उसके लिए बना के भेजना पड़ता है। फिर मेरे हस्बैंड 10 बजे जाते हैं, कभी 9:30 कभी 10 बजे जाते हैं, उनके लिए मुझे गरम गरम ब्रेकफास्ट बनाना पड़ता है। तो ये दो चीज़ हो जाती है, तो उसके लिए मेरा पूरा काम जो मॉर्निंग का होता है वो डबल हो जाता है। मैं इकट्ठा बना के नहीं रखती हूँ कि मैं बेटी के लिए बना रही हूँ, तो मैं हस्बैंड के लिए भी 10:30 बजे जा रहे हैं तो पराठे या जो भी वो कुछ खाते हैं तो मैं बना के रख दूँ, तो ऐसा नहीं है। जो वो बोलते हैं कि उन्हें जिस दिन पराठा खाना है तो मैं पराठा बनाती हूँ, कुछ भी बोलते हैं, वो पोहा खाना है तो मैं वो बनाती हूँ। और बेटी के लिए तो उसके जो मेन्यू है, क्योंकि मेन्यू के हिसाब से जाता है उसका जो लंच बॉक्स है, स्कूल का मेन्यू है तो उसके हिसाब से जाता है, तो मुझे अलग अलग बनाना पड़ता है। तो इसीलिए मेरा मॉर्निंग का काम बहुत ही ज़्यादा हैट्रिक होता है। फिर उसके बाद घर की डस्टिंग, झाड़ू पोछा, क्योंकि मैंने काम वाली नहीं लगाई है, मैं अपने सारे काम खुद करती हूँ। कोई मेरी काम वाली नहीं है, ना बर्तन धोने के लिए, मैं सब कुछ खुद करती हूँ, अपने ही हाथों में है मेरा सब कुछ काम। तो बस इसको करते करते मुझे 12 बज जाते हैं। 12:30 बजे मेरी बेटी भी आ जाती है, कभी 12 बजे भी आ जाती है, कभी 12:30 बजे भी आ जाती है। तो उसको लाने का टाइम हो गया है, जिसके लिए मैं तैयार हो चुकी हूँ। तैयार भी तो क्या है, ऐसी नॉर्मल घर गेट के पास ही आती है वो, सोसाइटी गेट के पास ही उसकी बस आती है, तो उसको लेने के लिए जाना है। और मैंने अभी लंच की कोई प्रिपरेशन नहीं की है, पहले मैं उसको लेके आऊँगी, फिर उसके बाद मैं लंच की प्रिपरेशन करूँगी। क्योंकि उसका हाथ मुंह धोना, थोड़ा उसके साथ इन्वॉल्व होंगी 5-10 मिनट, कि वो इतने 2 से 3 घंटे हमसे दूर रहता है बच्चा, और वो बस 2 से 3 घंटे दूर रहता है बच्चा हमारा। तो उसके बाद हमें थोड़ा उसके साथ 5 से 10 मिनट एकदम ही काम पे नहीं लग जाना चाहिए। तो 5 से 10 मिनट मैं उससे बातें करते करते आती हूँ, घर में भी आकर उससे बात करती हूँ, क्या हुआ बेटा, कैसा हुआ। तो बस उसके साथ 5-10 मिनट रहूँगी और बातें करूंगी, फिर उसके बाद अपना लंच बनाऊंगी। लंच में मुझे ज़्यादा कुछ नहीं बनाना है, सिंपल सी खिचड़ी बनानी है आज, और रायता बनाना है बूंदी का, और बाद में थोड़ी मीठी सेम बनाने हैं वो भी बेटी के लिए, यानी कि जवे। बस यही करना है मुझे। और जैसे कि मैंने आपको बताया, अनन्या के आने का टाइम हो गया है, तो उसके कैब जो बस ड्राइवर है वो मुझे 2 मिनट पहले फ़ोन करता है कि भाभी जी आप आ जाइए, हम आ गए हैं। तो मैं जाती हूँ, तो बस यही है और यही काम मुझे भी करना है। तो बस अब अनन्या आ गई है, अनन्या को मैं लेके आ गई हूँ। और उसको लाने के बाद मैंने उसका हाथ मुंह धोया, हाथ मुंह धोने के बाद अब मैं उसको टीशर्ट पहना रही हूँ, उसके कपड़े वगैरह चेंज करे सारे, स्कूल की ड्रेस उसकी जगह पे सब कुछ ठीक करके रख दिया, ड्रेस उसको टी शर्ट पहना रही हूँ, शॉर्ट्स तो जो उसने पहना है वही पहने रह दूंगी क्योंकि गर्मी हो रही है ज़्यादा, पजामा अभी लोअर वगैरह पहनाने जैसा नहीं हो रहा है। तो बस उसको पहना दिया है मैंने, और मुझसे दूध के लिए बोल रही है, और बस अब वो दूध पिएगी। तो उसको एक बोतल में दूध दे दिया है मैंने, क्योंकि वो सुबह ही दूध पी के जाती है, फिर आके कभी पीती है दूध कभी नहीं पीती है, तो आज मन था तो पी लिया उसने। आ गई हूँ किचन में, आने के बाद मैं अपनी सब्जी वगैरह काट रही हूँ। सब्जी तो क्या, मुझे सिर्फ एक आलू और बीन्स काटनी है, प्याज और टमाटर काटना है, और मिर्च मुझे डालनी नहीं है इसमें, तो बस यही सब्जियाँ मैं चॉप कर रही हूँ, क्योंकि सब्जी मेरे पास ज़्यादा है नहीं, सिर्फ बीन्स थी और मेरे पास आलू डाल के बना रही हूँ, सिंपल सी बना रही क्योंकि अनन्या को भी खानी है। तो बस यही चॉपिंग चल रही है और बीन्स काट रही हूँ, और मैं टमाटर हमेशा अलग काटती हूँ, मैं एक साथ नहीं काटती क्योंकि टमाटर पानी छोड़ता है, तो इस वजह से मैं टमाटरों को हमेशा कटोरी में अलग अलग जैसे कि अलग प्लेट में काटती हूँ या कटोरी में काटती हूँ। तो बस यही सब्जी की चॉपिंग वगैरह चल रही है क्योंकि टाइम लेट हो गया। अनन्या का जो कैब वाला, जैसे कि गाड़ी वाला, सॉरी कैब वाला बोलिए, गाड़ी वाला है वो, जो ड्राइवर है वो आज लेट आया, उसने 1 बजा दिए थे आते आते, तो बस लेट हो गया है, 1 हो गया है। तो बस चॉपिंग वगैरह, तो हमारी सब्जियां जो है वो कट चुकी हैं। सब्जियां कटने के बाद मैंने यहाँ पर चढ़ाया है पैन, पैन में मैंने डाला है खाने वाला ऑयल, ऑलिव ऑयल जो भी आप, सनफ्लावर ऑयल जो भी यूज करते हैं वो मैंने डाल रखा है, रिफाइंड ऑयल, यहाँ पर मैंने रिफाइंड ऑयल लिया है। यहाँ पर मैंने थोड़े गरम मसाले, खड़े गरम मसाले का यूज किया है, इसमें धनिया
और जीरा और लौंग और दालचीनी और थोड़ी काली मिर्च है तो मैंने डाली है। उसको डालने के बाद ब्राउन हो गया, उसको डालने के बाद मैंने यहाँ पर चॉप अनियन, जो एक मैंने प्याज लिया था उसे काट के रखा था वो डाला है। उसको डालने के बाद मैं 2 से 3 मिनट तक उसे पकाऊंगी, मुझे ज़्यादा भूरा नहीं करना है प्याज को। फिर तो उसके बाद मैंने यहाँ पर डाला है 1 चम्मच जिंजर और गार्लिक का पेस्ट। इसे भी मैं 3 से 4 मिनट तक स्लो फ्लेम में पकाऊंगी। मैं कुछ भी चीज़ होती है उसे स्लो फ्लेम में पकाती हूँ। तो बस उसे पकाने के बाद यहाँ पर स्लो फ्लेम में 3 से 4 मिनट में जिंजर गार्लिक को पेस्ट को भी पकाने के बाद यहाँ पर मैंने जो एक टमाटर चॉप करके रखा था उस टमाटर को भी इसमें ऐड कर दूंगी। उसे भी मैं 3 से 4 मिनट तक पकाऊंगी। बस टमाटर में मैं थोड़ा नमक डाल दूंगी ताकि जो टमाटर है वो जल्दी से पक जाए और हमारा थोड़ा टाइम बच जाए कुकिंग में। तो बस यहाँ पर मैंने टमाटर, तो यहाँ पर मैंने पैन का ढक्कन हटा के देखा कि हमारे टमाटर पक गए नहीं पक गए, तो मैं ऐसे करछी से दबा दबा के देख रही हूँ। तो देख रही हूँ कि हमारे टमाटर पके हैं नहीं पके हैं, तो हमारे टमाटर पूरे पक चुके हैं जितने में चाहिए। तो अब मैं यहाँ पर ऐड करूंगी मसाले। मसाले में मैं थोड़ी सी लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ क्योंकि अनन्या भी खाएगी। टेस्ट अकॉर्डिंग नमक, धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर, बस यही मेरे रूटीन के मसाले हैं, इसे ऐड कर दूंगी। इसे ऐड करने के बाद मैं 2 से 3 मिनट तक इसे चलाऊंगी। इसको चलाने के बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी सब्जियां, जो सब्जी में मैंने ले रखी है बीन्स और आलू। ज्यादा सब्जी में ऐड नहीं कर रही हूँ, बीन्स और आलू ऐड कर रही हूँ बस। उसे ऐड करने के बाद तो उसे भी 2 से 3 मिनट तक चलाऊंगी, यानी कि 2 से 3 मिनट तक पकने दूंगी। उसे पकने के बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी चावल जो मैंने पहले से ही भिगो के रख रखे थे। तो मैंने इसमें जो चावल ऐड करने के बाद उसमें अपने अंदाजे के अनुसार, अपने अकॉर्डिंग के अनुसार, जितने मैं जिस तरीके से मैं चावल बनाती हूँ, तो उसे डालने के बाद मैं इसमें पानी डाल दूंगी। पानी ऐड करने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा जीरा पाउडर और थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर डालूंगी क्योंकि गले की जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो। तो बस अब यहाँ पर मैंने पैन में ढक्कन लगा के रख दिया है, हमारा पुलाव पक रहा है। और मैंने यहाँ पर रखा है पानी, और क्योंकि मुझे बनाना है बूंदी का रायता तो मुझे गुनगुना पानी चाहिए, तो उसमें मैं ऐड कर दूंगी बूंदी। और हमारी यहाँ पर बूंदी फूल गई है, उसके बाद मैंने गैस बंद कर दी है। फूलने के बाद अब यहाँ पर मैंने दही में अपनी सारी बूंदी है जो फूल चुकी है उसको मैं ऐड कर रही हूँ यहाँ पर। और गर्म पानी से मैं बूंदी ऐड करने से ये होता है कि हमारी बूंदी में वैसे तो साफ होती है, हल्दीराम की है, लेकिन बट जो भी कोई डस्ट वगैरह होती है वो पानी के नीचे बैठ जाती है। तो यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ हमारे मसाले। मसाले में मैं यहाँ पर पुदीने का पाउडर, जीरा पाउडर और काली मिर्च का पाउडर यूज़ कर रही हूँ। नमक जो हम रोज यूज़ करते हैं, काला नमक यूज़ नहीं कर रही हूँ, आप चाहे तो ये यूज़ कर सकते हैं। तो बस ये यूज़ कर रही हूँ और हमारा रायता बन के तैयार है। यहाँ पर मैं अपने पुलाव को चेक करके देख रही हूँ कि हमारा पुलाव बना के कैसा तैयार है, अगर किस तरीके से पका है या नहीं पका है। तो यहाँ पर मैं उसे चला रही हूँ क्योंकि अभी हमारा पुलाव 5 मिनट और लेगा, तो अभी मैं इसे ढक के रख दूंगी। और फिर मैं 5 मिनट बाद पुलाव को खोल के देखती हूँ, तो हमारा पुलाव यहाँ पर पूरी तरीके से बन के तैयार है। क्योंकि मैंने 5 मिनट बाद खोल के दोबारा देखा, पहले चेक स्टार्टिंग पहले चेक किया था, फिर दोबारा मैंने 5 मिनट और इसे पकने के लिए रखा। तो यहाँ पर हमारा पुलाव ऑलमोस्ट पूरा पक चुका है। अब मैं यहाँ पर जो अपने आलू है वो पकड़ के देख रही हूँ पके हैं नहीं पके हैं, तो आलू पक के तैयार है। और बस यहाँ पर अब मैं इसमें थोड़ा धनिया ऐड करने के बाद इसे ढक के रख दूंगी। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई रख ली है, कढ़ाई में मैंने 1 चम्मच घी डाला है क्योंकि मुझे बनाने हैं मीठे सेमई यानी कि वर्मिसेल। तो यहाँ पर मैंने ये पहले से रोस्टेड है, 1 चम्मच घी डालने के बाद मैंने यहाँ पर वर्मिसेल ऐड कर दिया है। तो उसे मैं 1 मिनट तक घी के साथ रोस्ट करूंगी क्योंकि मैं इसे रोस्टेड है, उसके बाद भी मैं इसको एक बार और रोस्ट करूंगी। और यहाँ पर मैं अपना कैमरा सेट कर रही हूँ क्योंकि मेरा कैमरा थोड़ा डिसबैलेंस हो रहा था। तो यहाँ पर मेरी जो वर्मिसेल है वो 1 मिनट हो चुका है रोस्ट हुए सेम आँच में। तो बस आप उसे निकाल लूंगी। उसको निकालने के बाद मैं इसी कढ़ाई में ऐड कर दूंगी दूध क्योंकि मुझे जल्दी हो रही है, और मैं इसी कढ़ाई में दूध ऐड कर रही हूँ। कढ़ाई को धोया नहीं तो जो घी का येल्लोपन है दूध के ऊपर आ जाएगा, तो उसे माइंड मत करिएगा, उसके लिए सॉरी, ये मत भूलिएगा कि कैसी बनाई। तो बस यहाँ पर मैंने दूध ऐड कर दिया है, और उसके लिए एक चीज के लिए और सॉरी, क्योंकि मैंने कैमरा वेमिसिल डाल दी थी, जब भी डाल दिए थे और कैमरा ऑन नहीं किया था। 5 मिनट हो चुके थे, आधी जो सेमी है वो बन चुकी थी, उसके बाद मुझे पता चल रहा था कि मैंने कैमरा ऑन नहीं किया। तो मैंने यहाँ पर कैमरा ऑन करने के बाद अपने टेस्ट अकॉर्डिंग शुगर और ड्राई फ्रूट्स ऐड करने के बाद यहाँ पर मैंने इलायची का पाउडर ऐड किया है 1 चम्मच। और बस यहाँ पर इसे मैं 5 मिनट तक और स्लो फ्लेम में पकाऊंगी यानी कि बनाऊंगी, और बस फिर उसके बाद गैस बंद कर दूंगी। हमारी वर्मिसेल बन के तैयार है। तो यहाँ पर हमारा खाना बन के तैयार है, जो
जो भी मैंने रेडी किया था, मीठी सेवई, रायता और सिंपल सा पुलाव। यहाँ पर सैलेड में है खीरा और हरी मिर्च, तो आप भी खा लीजिए, लंच कर लीजिए आप सब लोग। तो बस अब मिलती हूँ आपसे लंच करने के बाद। मैं भी अनन्या, खाना खाने के बाद अनन्या को सुलाते सुलाते मैं भी सो गई थी। तो अभी बज रहे हैं, टाइम हो रहा है 4, और बस मैं आ गई हूँ किचन में। और मैंने बर्तन धोने के बाद जस्ट अब चढ़ाई है ग्रीन टी अपने लिए, क्योंकि हस्बैंड आज जाएंगे नहीं, तो मैं ग्रीन टी ले रही हूँ। और अनन्या को पॉपकॉर्न खाने थे, तो उसके लिए मैं यहाँ पर कढ़ाई में चढ़ा दिए हैं, पॉपकॉर्न बनने के लिए रख दिया है। और बस यहाँ पर मेरी ग्रीन टी रेडी हो रही है, और एक साइड में अनन्या के पॉपकॉर्न रेडी हो रहे हैं। तो यहाँ पर मेरी ग्रीन टी जो है वो बन के तैयार हो चुकी है, और बस मैं निकाल रही हूँ, निकाल लिया है मैंने ऑलमोस्ट। तो बस अब यहाँ पर अनन्या के जो पॉपकॉर्न है वो बन रहे हैं, मैं जैसे कि आपको दिखा रही हूँ खोल के, तो देखिए कितने अच्छे तरीके से बन रहे हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पॉपकॉर्न है वो बन के रेडी हो चुके हैं, और मैंने उन्हें एक बाउल में निकाल दिया है। और बस पॉपकॉर्न भी रेडी है और चाय भी रेडी है, और अब बस अनन्या और मैं, अनन्या पॉपकॉर्न खा रही है, मैं ग्रीन टी भी पी रही हूँ, साथ साथ उसके साथ मैं भी एक आध पॉपकॉर्न खा ले रही हूँ, क्योंकि अनन्या भी कार्टून देख रही है, अभी मैं भी उसके साथ उसका ही कार्टून एंजॉय कर रही हूँ। बच्ची के साथ बच्चे का बनना पड़ता है, बस यही चल रहा है मेरा काम। और बस अब कार्टून और पॉपकॉर्न खत्म होने के बाद मैं अनन्या को ही लेके बैठी हूँ पढ़ाने के लिए, क्योंकि उसको राइटिंग कराना सबसे बहुत बड़ा हार्ड काम है। तो बस मैं उसको यहाँ पर लिखना सिखा रही हूँ, पढ़ने में वो बहुत इंटेलिजेंट है, उसे एक बार मैं किसी चीज को बताती हूँ वो एक ही बार में, उसका दिमाग बहुत शार्प है, एक ही बार में अटेम्प्ट कर लेती है। जहाँ बात आती है मेहनत की, मेहनत यानी कि लिखना, चलना, बोलना, वो चीज वो नहीं कर पाती है, दिमाग से वो सब कुछ कर लेती है। तो यहाँ पर वो बहाने ही बना रही है कि मेरे पेट में दर्द हो गया है, और लेट भी रही है, लेट के लिख रही है, मैं घर ही बैठो पूरे पेट दर्द हो रहा है और लेट के लिख रही है। बट मैं उसको पूरी कोशिश करती हूँ अपने तरीके से, उसके बहानों को दूर करके उसे पूरी कोशिश करती हूँ कि लिखे वो। तो बस यही काम चल रहा है मेरा, उसके बहानों को दूर करके उसे लिखाने का। अभी मैंने अनन्या को पढ़ा लिया है, और पढ़ाने के बाद मैंने पूजा कर ली है, अपनी जो शाम की पूजा है वो कर लिया है, और टाइम बच गया है 7। और मैंने चाय तो बनाई थी, जैसे कि आपने देखा मैंने ग्रीन टी ली थी, फिर तो अनन्या के लिए पॉपकॉर्न बनाया था, तो उसने उसी के साथ थोड़े बहुत पॉपकॉर्न खा लिए थे, ग्रीन टी पी ली थी। और अभी मेरे हस्बैंड आए नहीं हैं, वो टूर पे गए हैं, उन्हें लेट हो गए, हो जाएगा आने में, तो इस वजह से मैंने चाय भी नहीं बनाई, ग्रीन टी पी। तो बस यही किया, और अनन्या को पढ़ाने में बहुत दिक्कत होती है, और पढ़ाने में दिक्कत नहीं होती, पढ़ाई में एकदम ठीक है, वो पढ़ लेती है, लेकिन उसको लिखाने में बहुत दिक्कत होती है, लिखाने लिखने में बहुत ही आलसी है, हर काम में लेट है, हर काम में। एक्चुअली उसने चलना लेट सीखा, बोलना अभी उसकी लर्निंग है, और लिखाना पढ़ने में तेज है। उसको एक बार मैं बोलती हूँ बेटा ये सुनाओ, उसको एक बार मैंने 1 से लेकर 20 तक गिनती याद कराई है, 1 2, तो वो याद कर लिया उसने, A to Z उसे पूरा पता है, डोमेस्टिक और वाइल्ड एनिमल में उसको अंतर पता है, उससे पूछती हूँ, 5 5 मैंने सब कुछ उसको याद करा रखे हैं, जो कि उनके सिलेबस में नहीं है अभी नर्सरी के, बट उसको वो सब कुछ याद हो जाता है। बट जहाँ लिखने की बात आती है, जस्ट लाइक अ मेहनत, लिखना मेहनत है, आप हाथ चलाओगे ना, मेहनत है, जहाँ मेहनत की बात आती है वहाँ वो बहुत ही ज़्यादा आलसी हो जाती है, और लिखने के नाम पे बोलने में मेहनत है, तो जहाँ मेहनत की बात आती है वहाँ वो आलसी बन जाती है, और वो हर काम में लेट है, पता नहीं कब वो इतनी, उसकी हर चीज़ लेट हुई, चलने में मेहनत लगती है तो उसमें चल मेहनत के काम को हमेशा लेट करती है। तो बस अभी अनन्या के साथ थोड़ा उसके टॉय के साथ उसके साथ खेलना है, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ खेलना भी जरूरी होता है, बट मेहनत का काम नहीं होता है अनन्या से। तो बस आज का ब्लॉग मेरा यहीं तक था, आई होप आप सभी लोगों को पसंद आया होगा, अगर आप सबको पसंद आया तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, और ज़्यादा पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, और जो मेरे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलती हूँ आपसे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, किसी कर दो सबको, बाय बाय। बाय।